कंपनी से लीगल चैलेंज। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप थाईलैंड के अंदर कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो, कॉस्टिंग, टाइम, और एंड के अंदर यह बताऊंगा क्या यह बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ थाईलैंड में कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। थाईलैंड के अंदर अगर कंपनी फॉर्मेशन आपको करना है तो सबसे पहले आपको अपने नेम को रिजर्व कराना है। एक दिन से लेकर 3 दिन के बीच में आपका नेम रिजर्व हो जाता है। उसके बाद 30 डेज का टाइम पीरियड मिलता है आपको अपना MOA तैयार करने के लिए। अब देखिए, अगर आपने नेम अप्रूव होने के बाद विद इन 30 डेज फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल नहीं कराना तो आपका नेम एक्सपायर हो जाएगा और वापस वो नेम नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जैसे कि इंडिया के अंदर जब कंपनी फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे होता है MCA, ये हमारा इंडियन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे होता है MOC, जहाँ पे ये सारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। अब रजिस्ट्रेशन के पहले आपको वहाँ पे ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA इसको बोलते हैं। इसके अंदर कंपनी का नाम क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, डिक्लेरेशन देनी पड़ती है लायबिलिटीज़ की, शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर का जो भी है कैपिटल अमाउंट कितना होगा, कंपनी कहाँ कहाँ डिवीज़न में काम करेगी, शेयर्स कैसे बटेंगे, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, डायरेक्टर्स की सारी इन्फॉर्मेशन, शेयर होल्डर्स की सारी इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट के अंदर आती है। ये सारी ड्राफ्टिंग करने के बाद विद इन 90 डेज आपको एक मीटिंग करनी पड़ती है, उसी के बेसिस पे आपका कंपनी फॉर्मेशन होगा। अगर आप ये मीटिंग नहीं करते हो ना तो कंपनी फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं टैक्सेशन की बात। देखिए, कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो गया, डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर दिए, अब आपको वहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स VAT लेना पड़ता है, टैक्स ID लेनी पड़ती है, और VAT थाईलैंड के अंदर 1992 से लगा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना। VAT लेना, टैक्सेशन पॉलिसी को फॉलो करना थाईलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सारा प्रोसेस 1 वीक से लेकर 2 वीक के बीच में हो जाता है। बट हाँ, अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई ऐसे लाइसेंसेस की ज़रूरत है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इजीली नहीं मिलते, तो 6 से 9 महीने का समय भी लग सकता है भाई। कंपनी फॉर्मेशन तो आपकी फटाफट हो जाएगी थाईलैंड के अंदर। अब पैसा कितना लगता है भैया, देखिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 48 लाख रुपीज़ आपको मिनिमम कैपिटल रखनी पड़ती है थाईलैंड के अंदर। उसके बाद 3-4-5 लाख रुपए डिपेंड करता है लाइसेंस के ऊपर, कंपनी फॉर्मेशन फीस के ऊपर, जिसके बाद आपका प्रोसेस चालू होता है। तो ये मिनिमम आपकी जेब में अगर 40-50 लाख 60 लाख रुपए हैं तो ही थाईलैंड में बिजनेस चालू करने का सोचना। टाइम पीरियड भी मैं आपको बता देता हूँ, 2 हफ्तों में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। बट बिजनेस कब चालू कर सकते हो, जब आपके लाइसेंसेस होंगे। जैसे इंडिया के अंदर, अब इंडिया के अंदर मुझे फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करना है तो कंपनी तो बना लूंगा 7 दिन के अंदर, बट ड्रग लाइसेंस ये होता है फार्मास्यूटिकल बिजनेस के लिए, ड्रग लाइसेंस में टाइम लगता है 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर, तो लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करता है बिजनेस के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगर थाईलैंड के अंदर आप कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हो तो वहाँ पे किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, टैक्स फाइलिंग मंथली बेसिस पे होगी, एक ऑडिटर आपको रखना है, हाफ ईयरली रिटर्न्स आपको फाइल करने, पेमेंट जितना भी एम्प्लॉयज़ को जा रहा है उनका कंपनसेशन, हर चीज़ का डेटा मेंटेन करना थाईलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और आपको अपना एक बैंक अकाउंट भी ओपन कराना पड़ता है, उसके लिए हमारे अटॉर्नीज ऑलरेडी थाईलैंड के अंदर है, काफ़ी सारे क्लाइंट्स को मदद करते हैं थाई कंट्रीज़ के अंदर इन सारे लीगल प्रोसेस के अंदर। अब थाईलैंड के अंदर का बिजनेस करना सही है, क्योंकि देखिए ऐसा कंसल्टेंट मैं आपको गलत एडवाइस नहीं दूंगा, हम सिर्फ यहाँ पैसा कमाने नहीं बैठे, आपकी मदद करने बैठे हैं। क्योंकि आज हम UK, US, सिंगापुर, दुबई, चाइना, हर कंट्री के अंदर कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो देखिए थाईलैंड के अंदर लेबर बहुत सस्ती है। अगर मैं कंपनी सेटअप करके मैन्युफैक्चरिंग का आप सोच रहे हो तो अच्छा आइडिया है, बट अगर आप बड़े लेवल पर प्रॉफिट कमाने का सोच रहे हो कि वहाँ कुछ बेच के पैसा कमा लूँगा तो बहुत गलत सोच रहे हो। और दूसरी चीज़, फंड्स होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट के अंदर, क्योंकि देखो 40-50 लाख तो कंपनी फॉर्मेशन का है, उसके बाद बिजनेस को 2-3 साल तक चलाना, वहाँ सेटअप करना, आना जाना, 3 साल के पैसों का बैकअप लेके चलना। अगर पैसों का बैकअप नहीं है, इतने पैसे नहीं है, तो थाईलैंड मत जाओ, दुबई जाओ, अदर कंट्रीज जाओ, दुनिया के अंदर इतनी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे आज हम कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हैं। बट हाँ, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसी के लिए हमने कंसल्टेंट्स की टीम बिठाई है जो मदद करती है हमारे क्लाइंट्स को, पहले चीज़ तो राइट कंट्री सिलेक्शन के अंदर, टैक्स पॉलिसी के अंदर, कंपनी फॉर्मेशन के अंदर, और कैसे उनको अब्रॉड मूव होना है। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉरेन के अंदर बिजनेस करना है तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करो, मेरी टीम आपसे कनेक्ट होगी, आपको मदद करेगी राइट कंट्री चूज करने के अंदर। आप मेरे से लिंक्डइन इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ID मिल जाएगी या स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों का प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।